दोस्तों, अगर आप भी धोनी के महान और सबसे सफल कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आपको बता दूं कि बारिश के चलते रुका चेन्नई और गुजरात का फाइनल मैच, फिर बाद में 15 ओवर का हुआ मैच। चेन्नई के लिए अजिंक्य रहाणे ने पूरा पलट कर रख दिया मुकाबला और अंत में आकर शिवम दुबे, रायडू और जडेजा में 5 छक्के लगातार लगाकर रच दिया इतिहास। तो चेन्नई और गुजरात के खेले गए फाइनल मुकाबला का हाईलाइट अपने वीडियो में बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या लगता है, धोनी, हार्दिक और रोहित शर्मा में से कौन सबसे अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो शुरू करते हैं, बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल मैच खेला गया। बारिश के कारण इस मैच में चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता। वहीं इस हार से गुजरात का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। दोस्तों, चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन के 96 रन की बेहतरीन पारी से 213 रन का विशाल स्कोर बनाया। शाह ने 54 रनों की पारी खेली। गुजरात ने थोड़ी धीमी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही दोनों ओपनर ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। हालांकि जडेजा ने सुमन गिल को 39 के निजी स्कोर पर आउट कर चेन्नई को बड़ी सफलता दिलाई। गिल के आउट होने के बाद सुदर्शन और शाह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन ने 47 गेंद में 96 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए। हार्दिक पांड्या ने 12 गेंद पर 21 रन बनाए। इस तरह गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाया और चेन्नई की ओर से मथीसा पथिराना ने 2 विकेट लिया। जडेजा और दीपक चाहर को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों, गुजरात के 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई ने अच्छी शुरुआत की। पहले ओवर में तीसरी गेंद के बाद बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो DLS के चलते चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन बनाने का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज ऋतु राज गायकवाड़ 26 और देवेन कानवे 47 ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6 ओवर 3 गेंद में 74 रन की साझेदारी की। गायकवाड़ और कानवे के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने तेजी से रन बनाने जारी रखा। रहाणे ने 13 गेंदों पर 27 रन बनाए। आखिरी मैच खेल रहे रायडू ने 8 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंद पर 13 रन की जरूरत थी और मोहित शर्मा ने पहली 4 गेंदों पर सटीक वार्कर डाली। इसके बीच 1-1 करके 3 रन मिला और चेन्नई की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन जब तक सर जडेजा क्रीज पर थे, आखिरी येलो आर्मी हार कैसे मान सकती थी। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खूबसूरत छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम में CSK के नारे लगवाना शुरू करवा दिए। आखिरी गेंद पर जडेजा ने लो फुल टॉस के शॉर्ट लाइन बाउंड्री पर 4 रन के लिए भेज दिया। इसी के साथ चेन्नई ने अपना 5वां आईपीएल खिताब जीता। मैच खत्म कर अपने गड आउट की तरफ दौड़ रहे जडेजा को धोनी ने गले लगाकर और फिर गोद में उठा लिया। ये पल चेन्नई के फैंस को आने वाले सालों तक ताजा रखेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है।